यहाँ आने की वजह यह है कि एक तो छोटा भाई फिल्म बना रहा है और मेरा भांजा हीरो है। इससे ज्यादा तो कोई वजह नहीं चाहिए। फिल्म का हमको तो मालूम नहीं है भाई, लोगों को कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। अच्छी अच्छी फिल्में चलती नहीं है, बेहुदा फिल्में चलती है। तो अब तेरे फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं मालूम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। लेकिन बहुत साल लगा है यार तूने, 71 फिल्में तुमने प्रोड्यूस की है और इसके बाद तू डायरेक्टर बन रहा है, बहुत पहले होना चाहिए था। गलत लोगों को लेके बहुत फिल्में गिर गई है हमारी, उसमें से 3 फिल्में मेरी भी है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा। सभी नए बच्चे लिए हैं, बहुत ही अच्छा। मुझे याद आया अंकुश के बर्थडे से एन चंद्रा ने सभी नए बच्चे लिए थे, उसमें से मैं एक था। और ऐसी ही फिल्में ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि वो ज्यादा भिड़ती है, कोई इनिबिशंस नहीं। जिस तरह से बच्चे काम करते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है, जैसे हूँ वैसे वह हूँ, बहुत अच्छा है। दूसरा एक जो बंदा है हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे फैमिली से, वो है कपिल। उसके नहीं मैं बुलाऊंगा, मगर उसके पहले एक मोमेंट है, उनका तो अलग ही मोमेंट है। आई जस्ट वांट टू इनवाइट श्याम जी एंड सनी, यू नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय नाना सर, सो प्लीज कम सनी। श्याम जी, दिस इज फैमिली मोमेंट नाउ। अरे सनी इज द हीरो यार। एक बात याद रखना, पहली पिक्चर होती है, तो ये मोमेंट क्लियर कर रहे हैं, पहली बार, ये वापस नहीं आएगा। So before the hero speaks, I'll get Shyam ji to say a few words, because Shyam ji ne mohre shot diya tha. Pehla nariyal ne phoda tha. I think main jitna bhagwan ka shukrgazar shukriya ada karun utna kam hoega. As a father to I think it is a very special day for me. Aur sabse pehle to main inko bahut bahut shukriya ada karta hu ki because of him this day has come. Aur upar se special hua nana ji, मैं उनको हमेशा भाव बोलता हूँ। ही इज लाइक ए एल्डर ब्रदर टू मी, पर वो रिलेशन जो कुछ ब्लड रिलेशन नहीं होते, लेकिन जो हमारा रिलेशन है इट इज बियॉन्ड दैट। और आपको बता दूं, जो मेरी पहली हिंदी फिल्म पर हाथ थी, इन्होंने मेरे को ब्रेक दिया था। एंड एज ए फादर मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, ही इज देयर टू ब्लेस माई सन ऑल्सो। एंड ही स्टूड बाय मी नॉट ओनली प्रोफेशनली, पर्सनली भी। जब मैं हॉस्पिटल में मर रहा था, एक ऐसी स्टेज थी कि मेरे बचने के चांसेस नहीं थे, ही वॉज द पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग इन द ऑपरेशन थिएटर जब तक मेरे को होश नहीं आई थी। आई कांट फॉरगेट दोस मोमेंट्स। अगर भगवान से नेक्स्ट अगर कोई आदमी जिनकी वजह से मैं चल रहा हूँ, ही इज द पर्सन। थैंक यू। हमारे बंदे को जो बहुत बीमार था, तो लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, तो शाम कह रहा है भाई बहू जरा एक काम करना, अपना जो फ्लैट है अभी लिया हुआ उसको बेच के एक छोटे से फ्लैट में फैमिली को शिफ्ट करना, मुझे अगर कुछ हो जाए। मैंने कहा पहले मर तो सही, बाद में मैं करूँगा ना। ये बंदे के 3 ऑपरेशन लगातार हुए और ऊपर वाले की दया है, अब बिल्कुल ठीक है। कोई गलत उसको आदत नहीं है, ना तो शराब पीता है ना सिगरेट पीता है, औरतों की तरफ तो बिल्कुल देखता है। तो मतलब इतना होनहार मेरा जो छोटा है, इतना बेहतरीन। और ये बच्चों को मैंने ऐसे गोद में खिलाया हुआ है, 2-3 साल का ये था, अरबी की 5 साल का। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बच्चे ऐसे इतने बड़े हो गए। और क्या चाहिए, इससे बड़ी तो तरक्की हो नहीं सकती दुनिया में। पैसे से ज्यादा ये बड़ी मेरी प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आने की वजह ही हुआ है। शैलेंद्र तो ऐसे लगातार फिल्म करते रहे, नए बच्चों को ले ले, लेकिन ये तेरी फिल्म बहुत चले, ताकि क्या हौसला बढ़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से लुक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
बीच में मुझे लगा टीवी है एक शॉट में, कोई बात नहीं कल अगली फिल्म में मैं भी काम करूंगा तेरे साथ। और कपिल बाजी को लेंगे हम गेस्ट अपीयरेंस में, कपिल बाजी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं से मुझे मालूम है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत दी, थैंक यू वेरी मच। शान कमाल है, कमाल। हाँ जी पंडित जी, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे को इधर आके मालूम पड़ा कि ये होशियारपुर से हैं, मैं भी होशियारपुर से हूँ, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और मैंने जो भी अपनी स्टडीज़ किया गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से की है, और ऐसा कोई मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे ये एक रिलेशन के आप इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। Okay, last time I'm going to invite Mr. Kapil Dev. So, big round of applause for Kapil. I think जो भी हम लोग फिल्मों से जुड़े हैं बहुत सेफ कमेंट्स दिए हैं, अब हार्ड कोर ऑनेस्ट स्पोर्टिंग कमेंट ट्रेलर के पास ही कुछ ठीक ठाक लगा। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे ये मालूम नहीं है क्या है, मेरी फील्ड नहीं है और मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। अगर मेरे को इतनी दूर ये ट्रेलर दिखाने के लिए बुलाया था तो मैं नहीं आता था। मैं सच बोलता हूँ, मैंने सोचा बड़ा कुछ दिखाएगा, ये ट्रेलर दिखाना था तो वैसे ही भेज देता यूट्यूब पे, मैं देख लेता। मैंने सोचा कोई अब होगा, उन्होंने बोला वंस मोर, तो मेरे को ये लगा एक बचपन की कहानी, बचपन की कहानी आई, कहते तब तक हम बोलते जाएंगे जब तक तू ठीक नहीं बनाएगा, तो वंस मोर पता नहीं कितनी बार ये देखेंगे। एनीवे यहाँ बुलाया और मैं तो यही कहूँगा कि यस दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और चाहूँगा कि बहुत तरक्की करे आप, आपका परिवार, सब दोस्त, क्योंकि दोस्त की तरक्की होती है तो उसमें हम सब की तरक्की होती है। गुड लक टू द यंग मैन, मेरे पाँव नहीं, मेरे पापा मेरे को उधर ही छुओ। और जितनी आप मेहनत करो मेहनत का फल जरूर मिलता है, यही कहूंगा। बाकी आप क्लेवरपुर से आए हैं, होशियारपुर से है। पंडित जी भी क्लेवरपुर से आए हैं, हमारे उधर क्लेवरपुर बोलते हैं, होशियारपुर नहीं बोलते, होशियार का क्लेवरपुर बोलते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत नाना बता रहे थे, आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, और ये चाहूंगा कि बहुत सक्सेस मिले। बड़ा अच्छा नाना जी ने कहा कि जो नए लोग आते हैं नई सोच लेके आते हैं और कुछ अच्छा बनाएंगे तो अच्छी मूवीज बनेंगी। हर एक चीज में यही कहना चाहूंगा कि थीम अच्छे होने चाहिए, मूवी जैसे मर्जी बनाओ लेकिन उसका अफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन को खूबसूरत जाना चाहिए, कि इस तरह की सोच होनी चाहिए। मैं फिल्मों से नहीं जुड़ा हूं लेकिन कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कह सकता वो फिल्मों से नहीं जुड़ा है। हम नहीं भी जुड़े और जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बड़े ही इसी कारण हुए हैं कि हमने तो स्कूल से पता नहीं कितनी बार भाग के पिक्चरें देखी हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तो इसलिए बिना फिल्म के हिंदुस्तान नहीं चल सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों ने, बहुत पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें ऐसे ऐसी खुशियां दी हैं कि उसको बयान करना शब्दों में बहुत कठिन है। यहाँ आकर मैं यही कहूँगा कि आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूं कि मैं ये मूवी बार बार देखूं, ट्रेलर से अच्छी मूवी बार बार देखूं।